बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि 19वीं सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने इस बात का यकीन करना शुरू कर दिया कि वी हैव ऑल ऑफ नॉलेज ऑल अबाउट फिजिक्स। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी का आगाज हुआ, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और उसके बाद 10 साल बाद तकरीबन जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी गई इस तरह। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो हम 19वीं सदी के एंड तक ये साइंटिस्ट समझ रहे थे कि उन्होंने सारा ही फिजिक्स के मतलब जान लिया, अभी उसकी शुरुआत है। तो 20वीं सदी के आगाज में फिजिक्स की शुरुआत हुई, मॉडर्न फिजिक्स की, जिसने साइंस के मैदान में या फिजिक्स के मैदान में कह लें इंकलाब बर्पा कर दिया। तो उसकी कुछ ब्रांचेज आपके सिलेबस में हैं, तीन वो हम देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच में है न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। सिंस एटॉमिक न्यूक्लाई, हमें पता है कि एक एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसका मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, उनके आपस के दरमियान उनके आपस में इंटरेक्शन की फोर्स कैसी है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स कब जो है वो गालब आती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब, उसकी रेंज कितनी है, इसके मतलब जितना भी रख दिया न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। सो इस क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अब हमें इससे पहले जानना होगा क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जो स्लो मूविंग हो, जैसे जैसे नॉर्मली एक बॉल मूव कर रही है, जैसे नॉर्मली कोई गाड़ी जा रही है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ये क्लासिकल फिजिक्स में आता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो, वो आते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। उसके बाद उसकी तीसरी ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज कंपोज्ड। हमने उन पार्टिकल्स का मुताला करते हैं जिनमें जिनसे मिलकर पार्टिकल्स मैटर बनता है। सब उसके बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द साइंसेज। जितनी भी साइंसेज हैं उनकी बुनियाद फिजिक्स है। प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, क्या प्रोवाइड करती है, बेसिक प्रिंसिपल्स, लॉज, फंडामेंटल लॉज, बेसिक प्रिंसिपल, ये सारी चीजें फिजिक्स प्रोवाइड करती है। और यही फिजिक्स अगर दूसरी ब्रांचेस के साथ ओवरलैप करें, यानी फिजिक्स और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस आपस में ओवरलैप करें, तो नई बर्थ ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। जैसे कि मैंने पहले सेकंड लेक्चर में मैंने डिटेल में उसको बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज क्या होते हैं। सो जब ओवरलैपिंग हो फिजिक्स की अदर साइंसेस के साथ, तो बर्थ होती है न्यू साइंस, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। और इसमें सारी ब्रांचेज इंटर जो फिजिक्स की दूसरी ब्रांचेज के साथ ओवरलैपिंग है, वो सारी ब्रांचेज इसमें आ गई। इसमें कौन सी एग्जाम्पल्स आ गई, फिजिकल केमिस्ट्री आ गई, इसमें बायोफिजिक्स आ गई, एस्ट्रोनॉमी आ गई, उसमें जीनिंग फिजिक्स आ गई, फिजिक्स ऑफ म्यूजिक आ गई, वगैरह वगैरह, फिजिक्स ऑफ ओशनोग्राफी आ गई। ये सारी क्या है, ये सारी हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। उसके बाद छोटी से छोटी चीज से लेकर छोटी सी चीज जैसे कि चिप, और ये हमें ये किस चीज की बनी हुई होती है, सिलिकॉन की। और सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, सैंड से मिलता है। ये चिप बहुत ज्यादा डाटा स्टोरेज करती है, और इन्हीं चिप्स की बदौलत आज जो है वो हम मार्केट में अपने रोजमर्रा चीजों में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स या मोबाइल या इस तरह के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आ रहे हैं। ओके सर,